हाय फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल फसल फार्मर्स तक मैं आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा सोयाबीन में रात्रि के समय पानी देने के फ़ायदे। इसके बाद में सोयाबीन में दिन में पानी क्यों नहीं देना चाहिए उसका भी मैं कारण सहित बताऊंगा आपको। वो सोयाबीन ऐसी कौन सी विधि से अपन सोयाबीन में पानी दें कि अपने सोयाबीन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। और ये सोयाबीन में हमने रात्रि के समय पानी दिया इसलिए आपको बता रहा हूँ। और आप ये प्लाट भी देख सकते हैं। और इसके बाद में सितंबर में पानी कितने दिन गिरेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें किसान भाइयों, हम सोयाबीन एवं अन्य फसल से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुँचाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको आने वाले समय में देने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सोयाबीन में रात्रि के समय पानी क्यों देना चाहिए। तो आप सबसे पहले तो ये प्लाट देख सकते हैं, हमने इसमें रात्रि में पानी दिया है। तो आपको किसी प्रकार से भी इस सोयाबीन में पीलापन नहीं दिखाई दे रहा हो। आजकल समस्या करी किसान भाई, रात्रि के समय पानी देने का मेन उद्देश्य ये है कि उसका तापमान उस समय कम रहता है। तो मिट्टी में जैसे पानी आता है तो मिट्टी दिन में गर्म होती है और ऊपर सूर्य के तपतपी गर्मी ऊपर से, तो आप लोग देख सकते हैं उस समय क्या होता है, पौधा पलटी मार जाता है, बोले तो पौधा खराब हो जाता है, जड़ें खराब हो जाती है, तुरंत वो पीला पड़ जाता है। अब देखिए मिट्टी एकदम गीली है, आप देख सकते हो वो दाना इसका भराव कम्प्लीट हो रहा है, कम्प्लीट हो चुका है, एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं। आप ये प्लॉट देखिए, अपने इस रात्रि के समय पानी देने का आपके सामने ये फायदे है। और मैं आपको बता दूं स्वयं में दिन के समय पानी क्यों नहीं देना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। आज जो तापमान है 35-35 डिग्री तापमान पहुंच रहा है, आप सोच सकते हैं 35 डिग्री तापमान, तो 35 डिग्री तापमान यदि अपन देंगे रहेगा और दिन में पानी देंगे तो वैसे ही तपतपी गर्मी सूरज की, इसके बाद में नीचे से धरती में भाप, तो जिसे पानी देंगे वैसे जड़ एकदम इसकी खराब हो जाएगी, तो पौधा समाप्त। और मैं आपको बताऊंगा कल एक वीडियो, उसमें आपको बताऊंगा कि दिन में हमने पानी दिया उस प्लाट के क्या हाल है। तो आप देख सकते हैं ये। इसके बाद में मैं आपको बता दूँ ऐसी सोयाबीन ऐसी कौन सी विधि है इससे आप पानी देंगे तो आपको अधिकतम फायदा होगा। किसान भाई, मैं पहले बता चुका हूँ, यदि आपके पास स्प्रिंकलर की सुविधा है तो इससे अच्छा बेनिफिट खेती में पानी देने का सोयाबीन में किसी प्रकार से नहीं है। वो पानी क्या है, पानी एकदम मीडियम जाता है और वह बहुत अच्छा, पौधा भी ठंडा रहता है और प्लस में अपने धरती में मीडियम पानी जाता है, तो उसमें किसी प्रकार की पौधे को हानि नहीं रहती है, आप देख सकते हैं ये। इसके बाद में मैंने आप सितंबर में पानी कितने दिन गिरेगा ये मैं आपको बता दूं। जो मॉनसून है सितंबर में जो पानी है, वैज्ञानिकों तरफ से ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि सितंबर में 8 या 10 दिन पानी रहेगा मात्र, या तो वो स्टार्टिंग में रहे, ये 6 तारीख बाद, तो 6 तारीख को कन्फर्म है वैसे पानी आना, तो 8 से 10 दिन वर्षा बताई गई है, आप देख सकते हैं ये। तो ये हाल है मौसम की, तो मौसम विभाग की जानकारी के। तो किसान भाई, अभी तो अपने को बिल्कुल सोयाबीन में पानी चलाते रहना है, वो हो सके तो रात्रि में पानी दे जिससे आपकी फसल उपटे नहीं और आपको बेनिफिट रहे। तो किसान भाइयों, हम सोयाबीन अन्य फसल से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से किसानों तक पहुँचाते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ आपको आने वाले समय में देने वाले हैं। यदि आपको जानकारी यूजफुल लगी तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।